नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज संसद में केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इस बजट पेश होने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। बिहार में जैसे बयानबाजियों का युद्ध छिड़ गया। तमाम जितने भी बिहार के नेता हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लिए हमने सपना देखा था बजट को लेकर के कि बिहार के लिए कुछ खास होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको हम बताते हैं इन तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया। सबसे पहले हम भाजपा के कोटे से बजट को लेकर बिहार के नेता क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं आपको वो बताते हैं। दरअसल बिहार के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ये जो बजट हुआ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए ये बजट थी। ये बजट महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के फैमिली के लिए ये बजट बिल्कुल फ़ायदेमंद है। तो देखिए, विजय सिन्हा ने इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया जताई बजट को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत समाधान यात्रा में हैं और उन्होंने कहा कि हमने तो अभी तक बजट सुना ही नहीं, हम हर साल सुनते हैं। हम आज क्या, हम जब MP थे तब हम अंदर से सुनते थे और हम बाहर से सुन रहे हैं, तो हम बजट सुनकर बताएंगे। लेकिन उन्होंने एक लाइन में अपनी ये भी प्रतिक्रिया दे दी कि जो उम्मीद था बिहार के लिए वो उम्मीद अभी हम उस उम्मीद पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका ये बजट जो है वो खरा नहीं उतरा। इतना ही नहीं, आपको बताएं कि बजट को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कह दिया कि ये भाजपाइयों ने ये बजट सिर्फ और सिर्फ बड़े पैमाने में दिखावा करने के लिए बनाया है। ये बजट जो है वो सुन्न बटा सन्नाटा निकला बिहारियों के लिए। बिहार के लिए ये बजट में कुछ नहीं रहा। भाजपा जो है महंगाई बढ़ा रही है, महंगाई की दरों पर जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं और फिर इस बार फिर से बजट में ये सारी कीमतें बढ़ी हैं। कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है, ना बिहार के लोगों के लिए पहुंचा है, ना बिहारवासियों के लिए पहुंचा है। तो आपको एक एक कर इन तीनों नेताओं का बयान सुनाते हैं। सबसे पहले भाजपा के कोटे से विजय सिन्हा को सुनाएंगे, फिर हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रतिक्रिया को दिखाएंगे, फिर आपको बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के प्रतिक्रिया को बताएंगे और फिर आपको छोड़े जाते हैं इन तीनों के बातों के साथ। लघु सीमांत किसानों के प्रति और मजदूरों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, युवा महिलाओं के प्रति समर्पित हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने के लिए और जो दो तिहाई युवा है उसके बेहतर भविष्य बनाने के लिए इन्होंने जो पहल किया है वो सराहनीय है और इस पहल से हमारा आने वाला दिन आर्थिक रूप से मजबूत होगा और हर तबके के लोग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जिसकी जरूरत थी, जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के अनुसार यह बजट लाया गया है। बहुत ही सराहनीय सकारात्मक बजट है। तो इसलिए तो देखने आए थे, पहले जो कुछ भी हुआ था तो आप सब लोगों को मालूम ही है कि 8 में जितना सब कुछ हुआ था, अब उसके बाद तो सब कुछ कैसे करना है, कितना करना है, तो वो सब किया गया है। अभी कुछ कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन उसी सिलसिले में तो अभी जो हम इस बार घूम रहे हैं तो यही है कि जो काम हुआ उसको देखने के लिए और कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको पूरा करने के लिए, या फिर लोगों की कोई इच्छा जानने के लिए और ये भी देखने के लिए कि और जैसे कैसे लोगों की सुविधा बढ़े, विकास हो, ये सब को देख करके। आप देख रहे हैं ना, आप लोग सब जगह जो हम बना दिए हैं जीविका दीदियों का, तब देख रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा हो गया। अब पढ़ाई उढ़ाई भी देखिए, अब स्कूल के बच्चों को देखिए, अभी सब अंग्रेजी में बोल रहा है, कर रहा है। तो आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो कोई बिहार को ठीक से जान नहीं रहा है बाहर। यहाँ इतना जो हम लोग शुरू से काम करवाए हैं ताकि सबका ज्ञान बढ़े एक एक चीज़ के बारे में, तो सब चीज़ देख रहे, अच्छा लग रहा है। आज केंद्र में बजट भी पेश हो रहा है। नहीं, एक्चुअली हम हर बार देखते थे, लेकिन इस बार चूँकि हमारा दौरा पहले से तय था इसलिए हम देख नहीं पाए। हम तो लौटेंगे तब हम एक एक चीज़ को देखेंगे, तभी तो हम इसमें घूम रहे हैं इसलिए। थैंक यू सर। नहीं तो हम हर बार सुनते ही थे, ये मेरी शुरू से आदत है। जब से हम MP थे तो अंदर रहते थे, लेकिन उसके बाद जो हम यहाँ रहे, कोई भी सरकार थी,
हम जरूर उनका सुनते थे, जरूर देखते थे, हम लास्ट ईयर तक पूरा सुने, अब इस बार भी हम सुनते, लेकिन चूँकि पहले से तय था ये कार्यक्रम तब करें क्या, कैसे छोड़ दें, चूँकि ये सब तो पहले नहीं मालूम था कि कब होगा, बाद में ना मालूम होगा, और तय था मेरा पहले से, तब हम लौट के जाएंगे तो हम सबसे पहले नहीं पता है अभी, वो तो मालूम ही हो जाएगा जब हम घूम रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ लोग खबर करेंगे, घूम रहे हैं अभी तो किसी की बातचीत होती नहीं, कुछ उम्मीदें समूचा कार्यक्रम कर लेंगे और जब लौटने लगेंगे तो उसी समय ना कोई कुछ कहीं से संख चुन कर बिहार के लिए कुछ उम्मीदें भी रखते हैं। अरे हम लोगों को तो जितना कहना जाके कह ही दिए हैं, सब मीटिंग में कह दिए हैं, कहाँ गए सिद्धार्थ तो है ही है। अरे सुनिए आइए ना तो जो चाह रहे थे केंद्र के बजट, तो आप लोग तो मीटिंग में गए हुए हैं ना, हम लोग तो मीटिंग में जाके गए, अभी तक जो आया है उसमें बिहार के लोगों की अपेक्षा या सरकार जो चाहती है जो बताया है एक भी चीज उन्होंने नहीं कहा। सुन रहे होंगे यही सब चीजें, हमने क्या कहा पहले भी तो यही कहा ना कि आए दुगुना करेंगे, तो हुआ क्या नहीं ना हुआ, और फिर क्या कह रहे थे ये कि हर पक्का मकान बना देंगे 2022 तक सबके लिए, हुआ क्या। ये भाजपा के लोग जो हैं धर्म की राजनीति करके, ध्यान भटका करके जो देश का जो संविधान है उसको ख़त्म कर रही है, पूरी तरीके से इतिहास को बदल रही है, खाली नाम बदलने के अलावा कुछ किया है। नाम मुगल गार्डन का बदल दीजिएगा तो रोजी रोटी मिल जाएगा क्या, महंगाई कम हो जाएगी क्या, इस देश में तो सबसे ज्यादा हिंदू है ना, तो क्या हो रहा है, उनको रोजी रोटी मिल रही है क्या। तो ये केवल सरकार जो है ठगने का काम कर रहा है, और बिहार के लोग होशियार हैं, इस चीज को समझ रहे हैं, अब बिहार के लोगों से ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक रूप से कोई जागरूक नहीं होता, वो जानते हैं, सबसे ज्यादा जागरूक है कि क्या हो रहा है। अब देखिए सैलरी क्लास तो ऐसे पहले से जो है परेशान है महंगाई को लेकर के, आज क्या चीज़ की कीमतें जो हैं नहीं बढ़ी है, हर चीज़ के जो है कीमत जो है बढ़ा, लोगों का मुश्किल हो गया, परिवार में अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराना मुश्किल हो गया, तो ये सारी स्थिति तो है। टैक्स रिबेट वगैरह ये केवल जो है आंखों में धूल झोंकने के बराबर है।